हेलो फ्रेंड्स, यह गाड़ी आर्टिका SHVS सिस्टम जो लगा होता है, यह गाड़ी की बेल्ट टूट चुकी है और हम गाड़ी स्टार्ट करके इसको अपने वर्कशॉप में लेके जा रहे हैं। पास में ही कहीं इसकी बेल्ट टूटी थी, तो इसमें इस ब्रेक की प्रॉब्लम आ रही है, ABS की लाइट आ चुकी है और बैटरी की लाइट तो आ रही है, ये सभी इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें बेल्ट डालने के लिए हमने इसमें अभी जो बेल्ट है वो लगा दिया है। बेल्ट लगाने के लिए यहाँ पे जो एडजस्टर लगा हुआ ऊपर, नीचे से लगेगा बेल्ट जी गाड़ी जैक पे लगा के, और अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक लीवर पॉइंट है, वो लीवर पॉइंट के ऊपर हम, हाँ ये जो दो पॉइंट है इसमें एल की लगेगी, लॉक लगता है, दो सुराख है इसमें, पहले में लॉक लगा के इस एडजस्टर को ऊपर घुमा देते हैं और फिर इसमें आसानी से बेल्ट जो है वो इंस्टॉल हो जाती है। इस पॉइंट से हम पाना लगा करके एडजस्ट करेंगे। ये सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे, ये जो ध्यान से देखेंगे ये जो लॉक है वो थोड़ा सा जब पाने से हम उसको आगे करते हैं तो वो दूसरा उसके पीछे फंस जाता है। इसका जो मैप है डालने का बेल्ट ये है, और जहाँ पे पाना लगता है इसका ऊपर नीचे नीचे, ये एडजस्टमेंट इसकी, चैन बेल्ट जो है वो 6PK 980 980 नंबर की जो है वो इसकी फैन बेल्ट पड़ेगी, मेड इन जर्मनी, ये बेल्ट हमने इसमें डाली है। और अब हम जैसे ये देखो गाड़ी हमने स्टार्ट किया है, तो ध्यान से देखोगे कि इसका जो SHVS सिस्टम है वो काम कर रहा है अभी, और गाड़ी के अंदर हम जब जाएंगे, गाड़ी स्टार्ट कर, अब गाड़ी के अंदर हम देखेंगे तो गाड़ी के मीटर के अंदर सब लाइट जो है वो बंद हो चुकी है, गाड़ी ये स्टार्ट है और मीटर में कोई भी लाइट नहीं ब्लिंक कर रही, और SHVS सिस्टम इसका जो है वो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। अब हम दोबारा स्टार्ट करके इसको चेक करेंगे। फाइनली ये गाड़ी अब रोड पे चलने के लिए तैयार है, गाड़ी ओके हो चुकी है।